हेलो दोस्तों, करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज है दशहरा, तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने तो सुबह सुबह पूजा पाठ जो है कर लिया है, घर का पूरे घर में जो है पूजा कर ली है, और अभी हमारी तैयारी हो जाएगी दोबारा से फाट में जाने की, घास काटने के लिए। तो चलिए भाई, करते हैं फटाफट, खाना वगैरह खाते हैं सुबह का। और अर्जुन करेगा अभी अपने दादा की शेविंग वगैरह, और वो रहे दादाजी। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज एकदम साफ है और एकदम नीला नीला आसमान हो रखा है, और बहुत ही जोरों की धूप है। अर्जुन साइकिल बगैर भी जा सका तू, परे जी की क्या सटना है ट्रिमर भी। देखिए भाई, यहाँ पर हो चुकी है सेविंग ताऊ की, अच्छे से सिर के बालों की कटिंग भी हो चुकी है और ताऊ को नींद लगी है। कटते मुंडे वाल भी वे बनी गए रहता हूँ। ग्रुंजा पाउनी है, कितनी साल हुई उम्र, कितनी उम्र हुई, 95 साल। पजानू है और नहीं ताऊ, पजानू नहीं हुई सकते, 85 करता हुई सकता है, पर पजानू है। रुपए लेना हो रही है उसके पास, वो छाती अरे कट हुए तुझे नौ साल हो गए ताऊ। तेरे तो 5 साल और कट्टी लेनी ताऊ, सेंचुरी लेनी करी। तो अभी आके हम अपनी गौशाला में पहुंच चुके हैं, और अर्जुन ना यहाँ पर अपनी गाय के लिए खुंडी लगा रहे हैं। तो गाय ना ये वाला खुंडा जो है तोड़ चुकी है, तो इसको हम अभी दोबारा से लगाएंगे। और अर्जुन को तो यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ही जोरों की मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों अर्जुन? तो यहाँ पर था हमने लकड़ी का खुंडा लगाया, जैसे ये है इस तरह का लगाया हुआ था, और ये भी टूटने वाला है, तो वो ना आधा जो है ज़मीन के अंदर ही रह गया है, और आधा जो है ये रहा वहाँ पर। तो ये वाला खुंडा लगाया था, तो अब ये ना निकल ही नहीं रहा है आधा, तो मैं लगाती हूँ अर्जुन, थोड़ा सा जोर है ना, दे दे मेरे पास, दे दे जब्बल। तो बच्चों को ना सारे काम आने चाहिए, क्यों अर्जुन? हर एक काम आना चाहिए, तो लगाना मत अपने को। और दोस्तों, गांव के बच्चे तो वैसे भी ना ऑलराउंडर होते हैं, है ना अर्जुन? तो झूल क्यों रहा है? ये वाला खुंडा जो है ना बाहर आ ही नहीं रहा है, तो ये तो ना शिवलिंग की तरह गाड़ दिया है इसको, पक्का है ना अर्जुन? तो चलिए भैया, अभी ये वाला खुंडा जो है पूरी तरह हिल चुका है, तो देख अर्जुन निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा अंदर था ज़मीन के, तो इतनी देर लगी ना इसको, और ये दिया हुआ था बान का, और बान की लकड़ी ना अभी भी अच्छी है बिल्कुल। और देखिए भैया, अभी यहाँ पर अंदर ना कितना बड़ा होल हो रखा है।
दोस्तों अभी हम आके पहुंच गए हैं अपने घास के फाट में। तो दोस्तों पता नहीं हमारे घास के फाटना कब ख़त्म होंगे, तो अब तो हम दुखी हो गए हैं। मन ही नहीं करता है अब घास काटने के लिए, क्योंकि ना हमें लगभग 15 दिन हो चुके हैं मुझे कंटिन्यू घास काटते काटते। बीच में एक दिन मैं बधाई में गई थी तो उसके पहले, और अब तक 15 दिन हो गए मुझे टोटल घास काटते काटते, और अभी भी ना लगभग 4 या 5 दिन और लग जाएंगे। और आज ना अर्जुन को भी है छुट्टी। किस चीज़ की छुट्टी है तुझे? दशहरा और सेकंड सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, आज है दशहरा, तो अर्जुन ने तो आपको भी इसी ने किया है। हैप्पी दशहरा गाइस। तो चलिए वही करते हैं घास कटाई का काम जल्दी से स्टार्ट। तो चलिए जी, कुछ इतना घास काट लिया है अर्जुन ने, देखो पूरा खेत ना इसने आधा कर दिया है, और अभी यहाँ से आगे तक बच गया है उसे आधा काटने के लिए। और मैं काट रही हूँ इस वाले खेत में घास। और अभी इतना काटा है हमने, और अभी तो बहुत है काटने के लिए। वो वहाँ नीचे तक, वो आपको वहाँ पर काफल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक क्या काटने के लिए अभी तो हमें। तो अभी हमारा हो चुका है लंच टाइम, और अभी अभी ना मेरे साहब जी भी आ चुके हैं, देखिए भाई। और साहब जी पता है क्या लाए हैं खाने के लिए? समोसे लाए हैं खाने के लिए। तो दोस्तों अगर ना आपको ऐसे घास काटते हुए एकदम गर्मा गर्म समोसे और जलेबी वगैरह मिल जाए ना, तो आपका तो दिन ही बन जाएगा।
मेरे साहब जी जा रहे हैं गाय को पानी पिलाने के लिए, और हम तब तक ना यहाँ पर घास काटते हैं। तो चलिए जी, अभी हमने यहाँ से वो ऊपर तक 4 खेत काटे हैं आज घास के, और अभी आ गए थे यहाँ पर अर्जुन के अम्मा जी। तो अर्जुन चरा रहा है अपनी अम्मा जी की बकरियाँ और साथ में साहब जी। तो अभी हमें जाना है आज जन्मदिन में, अभी गांव में लगाए हमें जन्मदिन, तो वहाँ पर जाना है हमने। और ये बांध दिया हमने घास के गडोलू दो। तो चलिए जी, हम जन्मदिन वाले घर में पहुंच चुके हैं, और आज है यहाँ पर इस छोटे से बच्चे का जन्मदिन। हेलो करो, हेलो करो, ऐसे करो, हेलो। क्या नाम है आपको, बताओ नाम बताओ। माय नेम इज रियान। रियान नाम है इसका। तो चलिए भैया, आज है इसका जन्मदिन। अभी अभी पहुंचे हैं हम जन्मदिन वाले घर से आके अपने घर में। तो अभी टाइम ना रात के 8 बज रहे हैं, और दोस्तों ना हम जो है काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि पूरा पूरा दिन आजकल घास होता है काटने के लिए। और मेरे साहब जी और अर्जुन तो देखो बिस्तर में लेट चुके हैं अच्छे से। और अभी मेरे साहब जी ने की मेरी हेल्प, थोड़े से कपड़े थे तो इनकी तह वगैरह की हमने, ये धोए हुए थे सुबह के, सूखने के लिए डाले हुए थे। और अभी इन वाले कपड़ों को करना है मैंने प्रेस, क्योंकि कल जाना है हमें, तो कल जाना है हमें अपनी मौसी के घर। तो वहाँ पर मंजू दीदी बधाई ला रहे हैं, तो वहाँ पर जाएंगे हम कल। तो दोस्तों वैसे तो ना वहाँ पर जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि हम जो है वहाँ पर जाके ना अपनी मासी को हमेशा ही मिस करते हैं। वैसे याद तो हमें मासी हमेशा ही आते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से ना हमें ज़्यादा ही याद आती है मासी की, क्योंकि हमने ना वहाँ पर ज़्यादातर अपना बचपन बिताया है। लेकिन क्या करना, अब रिश्ते हैं, वहाँ पर जाना भी पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले ब्लॉग में। तब तक बाय। Thank you.